मैं काटने लग रही हूँ. मैं हम लोग जो वक्त टाइम है नीतीश जी के वक्त लॉ एंड ऑर्डर रहा है, तो आप जाके आप एक लड़की के रूप में भी आप बाहर निकल सकते हैं. आप उतना नहीं डर सकते. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ये सब तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक रहा है कि ठीक है ये रोजगार नहीं ला सके, ये बिजनेसेस तो नहीं ला सके, लेकिन इन्होंने इतना तक काम किया है. लेकिन अब हमें सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको रोजगार, आपको बिजनेसेस लाना पड़ेगा, ताकि आप बिहार के जो बच्चे हैं वो अब यहाँ से आगे जा सके. इसलिए विश्वास तो ज्यादा आई थिंक नीतीश जी पे होगा या एनडीए पे होगा कि ठीक है वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे और हमें आगे ले जाएंगे. लेकिन इस वक्त किसी भी पार्टी के बारे में बात ना करके मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि आप बस रोजगार लेकर आए. आप बिहार के बच्चों को जो दर दर भटकते हैं, अभी कोविड के वक्त आपने देखा कैसे लोग चल चल के वहां आ रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बातें सुन रहे हैं. उन्हें आप वापस बसेस या ट्रेन भी नहीं दे पाए कि वो घर पहुंच सके. तो जो हम देख रहे हैं जो बर्ताव हो रहा है बिहारियों के साथ वो बहुत गलत है. हम चाहते हैं कि हमें रोजगार अपने स्टेट में रहे. स्टेट में अगर रोजगार रहेगा तो हमें दर दर भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. जी श्रेय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं जो बातें आपने बताई हैं, जो एजेंडा आप सेट करने की कोशिश कर रही हैं, वो बहुत जल्द जो भी सरकार बनेगी वो उस एजेंडे को और स्पेशली जो यूथ है उसके लिए जरूर, जैसा आप बता रही हैं उसके लिए जरूर काम होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू और आगे